बिहार के शहर कटिहार की श्रेया कुमारी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे राज्य में आज में दूसरा स्थान हासिल करके झंडे गाड़ दिए हैं। किसी भी बच्चे की कामयाबी के पीछे उसके माता पिता का भी हाथ होता है, लेकिन श्रेया उससे वंचित रही। दरअसल पारिवारिक कारणों की वजह से श्रेया अपने पिता से अलग रहती हैं, लेकिन वो कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ी। उसकी माँ के साथ साथ भाई, नाना नानी, मामा मामी सबने मिलकर श्रेया की परवरिश की और श्रेया को भी अपने पिता की कमी कभी महसूस नहीं हुई। एक्चुअली मुझे कभी भी कमी नहीं लग रहा इस चीज़ का कि साथ में नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अदर मेंबर्स थे वहाँ पे, जहाँ पे भी मुझे कुछ भी कमी होती थी तो वो पूरा कर देते थे, तो कभी भी ऐसी कमी नहीं लग रही। बता दें कि श्रेया बचपन से ही पढ़ने में तेज है और CBSE बोर्ड से 10वीं में 94% अंक लाई थी। फिर स्थानीय उमा देवी गर्ल्स हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा में आर्ट्स विषय से राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। श्रेया फिलहाल ग्रेजुएशन करना चाहती हैं। चलिए खुद श्रेया से ही सुनते हैं कि आखिर कैसे की उन्होंने तैयारी जीत की। सबसे पहले तो NCERT की बुक ली और उसे कवर करा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए और उस नोट्स को काफ़ी रिवीजन करा। उसके बाद मॉडल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करा था और उसे एक्चुअली मैंने लिखा था, हैंड रिटन ही थे मेरे पास तो, और उसको सॉल्व करा और लास्ट के 3 महीने काफ़ी मेहनत करी। इसका पूरा श्रेय एक्चुअली मेरी मम्मा और मेरे भाई को जाता है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरी प्रिपरेशन में हेल्प करी। अगर कोई भी बुक, कोई भी चीज़ की अगर मुझे ज़रूरत होती थी तो वो मुझे प्रोवाइड करते थे, और साथ में मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर रहता है जो कि एक्चुअली आपके पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो मेरे ख्याल से वो मोटिवेशन मुझे इन दोनों से ही मिला। आगे एक्चुअली जिस भी फील्ड में जाऊँगी एक्सेल करने की कोशिश करूँगी और अभी फ़िलहाल BA ऑनर्स करना चाहती हूँ। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा। आप एक गोल बना के हमेशा पढ़ें कि आपको एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है और इस सोसाइटी में और भी लड़कियों को इंस्पायर करना है कि वो आगे आके और भी ज़्यादा सक्सेस पाएँ। चलिए अब देख लेते हैं कि श्रेया की उपलब्धि पर उनकी माँ कितनी खुश हैं और क्या कह रही हैं। जी, श्रेया तो बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी रही है और जहाँ भी पढ़ाई की है वो एक जगह बनाई है, अपनी पढ़ाई को लेके, और 10th में भी अच्छी की थी, 94% लाई थी, CBSE बोर्ड से की थी और उसके बाद 12th सेकेंड रैंक लाई है। जी, उसका तीन मामा हैं, वो सारी ज़रूरत श्रेया को वही सब पूरा करते थे। बहुत गर्वान्वित हम महसूस कर रहे हैं, ये हमारे ख़ानदान में सबसे पहली लड़की ऐसा जो कि ये सेकेंड स्टेट टॉपर हुई है, हम लोग को बहुत खुशी है। जी, इसमें इस मुकाम तक पहुंचने में तो खुद श्रेया का ही ज़्यादा अहम रोल है और वो बहुत बचपन से ही मेहनती रही है। हम लोग सिर्फ उसको बस सिर्फ रास्ता दिखाते गए, बढ़ना तो उसका काम था और वो इस लायक थी, तो आज उसका सफलता उसका कदम चूम रही है। आगे तो ये ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद इसका एम तो है कि ये मतलब सिविल सर्विस में जाने का इसका एम है।